कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। किस्मत की बात। किसी गांव में कुम्हार रहता था। उसका मकान बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अपने परिवार के साथ वो उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए, हवा तेज हो गई, रह रहकर बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। घर तो उसका पुराना था ही, छत से जहां तहां पानी टपकने लगा। कुमार का छोटा बेटा सो रहा था, जब ऊपर से पानी टपकने लगा तो वो जाग उठा, झट उठकर बैठ गया और कपड़े भीग जाने के कारण रोने लगा। बेटे को रोते देख पिता ने उसे गोद में उठा लिया, पुचकारते हुए चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। तब उसके पिता ने इधर उधर की बातें कर उसे बहलाने की कोशिश की, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। कुम्हार के बेटे को पहेली बुझाने का बहुत शौक था। पिता ने यही सोचकर उससे पूछा, बेटे पहेली बुझने का खेल खेलेंगे? पहेली की बात सुनकर बेटा चुप हो गया और बोल उठा, सुनाओ पहेली। पिता ने कहना शुरू किया, तो सुनो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मगर एक चीज से डरता हूं। बताओ तो वो कौन सी चीज है? बेटा जिन चीजों से खुद डरता था उन्हीं चीजों के नाम गिनाने लगा। उसने कहा, बिच्छू से डरते हैं, सांप से डरते हैं। पिता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिच्छू से नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता। इस पर बेटा बोला, तब तो आप शेर से जरूर डरते होंगे, या फिर चीते से, भालू से, हाथी से। बाप ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे भी नहीं डरता। बेटा सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो आप भूत से जरूर डरते होंगे। पिता ने फिर नहीं कह दिया। बेटा बोला, डायन से, राक्षस से, डाकू से तो आप जरूर डरते होंगे। ये कहकर उसने सोचा कि उसने पिता को हरा दिया। वो खुशी से बोल उठा, देखा, दे दिया ना जवाब। मगर कुम्हार उसकी बात पर ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं इनमें से किसी चीज से नहीं डरता। बेटा बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, आखिर वो क्या चीज है जिससे उसके पिताजी डरते हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटे को इस तरह मुंह लटकाए देख कुम्हार ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूं। मैं जिससे डरता हूं वो तो अपने कमरे में भी अभी है। पिता के इशारे के बावजूद उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से हार मानते हुए पूछा, मैं तो हार गया, अब आप ही बताइए। पिता ने उसे गोदी में उठाते हुए कहा, बेटा मैं जिस चीज से डरता हूं उसका नाम है टपके। बेटे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से पूछा, टपके से? कुम्हार ने छत से टपकते पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, इस टपके से। बेटे को अब जाकर बात समझ में आई। वो उछलते हुए बोला, हाँ, मैं भी टपके से डरता हूं। तब तक बारिश कम हो गई थी। वो बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। थोड़ी देर में वो सो गया। उसी समय कुम्हार को अपने गधों का ख्याल आया। वो उन्हें देखने घर से बाहर निकला। उसके घर के पास एक शेर खड़ा था। वर्षा के पानी से बचने के लिए वो आया तो शेर को बड़ा अचंभा हुआ बाप बेटे की बात सुनकर। वो सोचने लगा, ये टपके क्या चीज है जिससे वो डरता है? मैं तो सारे जंगल का राजा हूं, मगर ये कुम्हार मुझसे नहीं डरता। ये टपके जरूर कोई बहुत खतरनाक चीज है। कुम्हार घर के बाहर एक जानवर को खड़ा देख बहुत खुश हुआ। अंधेरे की वजह से उसने उस शेर को पहचाना नहीं, उसे ही अपना गधा समझकर उस पर बैठ गया और उसके कान पकड़कर घुमाने लगा। शेर एकदम से कांप गया। वो तो टपके के ख्यालों में खोया हुआ था। कुम्हार के बैठते ही उसे लगा कि जरूर टपका उसके ऊपर बैठ गया है और उसके कान घुमा रहा है। बेचारा शेर टपके के डर से अपनी जान बचाने की खातिर बड़ी तेजी से भागा। कुम्हार बड़ा हैरान हुआ। गधे को इस तरह भागते देखकर वो जितना कोशिश करता उसे रोकने की, वो उतना ही तेज भागता जाता। नदी नाले सब टापता वो तेजी से भागे जा रहा था। शेर भागते भागते एक नगर में पहुंचा। तब तक हल्का हल्का दिन निकल आया था। कुम्हार अंधेरे में जिसको गधा समझ रहा था, उजाले में देखने पर वो शेर निकला। उसे पता चल गया कि वो किसकी सवारी कर रहा है। उसकी तो जान ही निकल गई गधे की जगह शेर को देखकर। वो इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोचने लगा। तभी शेर एक पेड़ के पास से गुजरा। कुम्हार ने तुरंत उछलकर डाल पकड़ ली और शेर आगे निकल गया। कुम्हार पेड़ पर लटका रह गया। कुम्हार पेड़ की डाल छोड़कर जैसे ही नीचे आया, उसे राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और बड़े आदर के साथ महल में राजा के पास ले गए।
कुम्हार सोच रहा था कि अभी अभी तो एक मुसीबत से बचा हूं, फिर दूसरी मुसीबत ने आ घेरा। कुम्हार मारे डर के राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। राजा ने बड़े स्नेह से उठाकर उसे अपनी बगल में बैठा लिया। राज पुरोहित ने हार पहनाकर उसका राज तिलक कर दिया। सभी नए राजा की जय जयकार करने लगे। कुम्हार हैरान परेशान था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना जरूर विश्वास हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो एक हकीकत है, सपना नहीं। उस राज्य के राजा बूढ़े हो चुके थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जो भी आज सबसे पहले यहां से गुजरेगा उसी को राजा बना देंगे और खुद वन में तपस्या करने चले जाएंगे। ये सचमुच किस्मत की बात थी कि वो कुम्हार राजा बन गया था। उसने अपने परिवार को भी महल में बुला लिया। उसका नन्ना बेटा अब वहां का राजकुमार था। इस प्रकार वो कुम्हार राजा बन गया और सब परिवार सुखी जीवन बिताने लगा।